दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। आदमपुर शहर में लंबे समय से लोगों की मांग को पूरा करते हुए मुख्य संसदीय सचिव व हलका विधायक आदमपुर ने शहर के बीचों बीच बस स्टैंड नजदीक अल्ट्रा मॉडर्न पार्क का नींव पत्थर रखते हुए शहरवासियों को नायाब तोहफा दिया, जहां करीब 13 लाख रुपए की राशि खर्च कर शहर के सौंदर्यीकरण की तरफ एक और कदम बढ़ाया गया है। वहीं इसके साथ साथ शमशान घाट की तरफ जाती सड़क पर भी करीब 35 लाख रुपए की लागत से नवीनीकरण की विधिवत रूप से शुरुआत की गई। इस दौरान विधायक ने बताया कि जहां आज पंजाब सरकार की ओर से मिली ग्रांट के बाद इस पार्क का शिलान्यास किया गया है, वहीं शमशान शिवपुरी की तरफ जाते मार्ग को भी दशहरा ग्राउंड तक नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर विशेष तौर पर कर्नल मोहनलाल शारदा, चरणजीत शेरी, भाजपा प्रधान गुरचरण सिंगारी, कार्यकारी अधिकारी रामजीत, डॉक्टर मनु राज पराशर, कुलविंदर सिंह टोनी, चेयरमैन मेजर सिंह सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। आज बस अड्डे तो लेके शेपुरी वाली ते स्टेडियम तक जाने वाली सड़क जड़ी है ओदा नींव पत्थर रखा गया, जिदे उत्ते लगभग 35 लाख रुपया खर्च होना। ये वॉल टू वॉल सड़क बनानी है कमेटी ने, तो ये नाल क्योंकि इधरले पासे साडा स्टेडियम भी है, इधर ITI भी बन जा रही है, उहदा काम भी कुछ दिनों से असीं शुरू करन जा रहे हैं, तो इधर स्कूल भी है बच्चों का, इस करके सड़क बननी बहुत जरूरी सी। मार्केट भी है बहुत ज़्यादा बिजी, 35 लाख रुपया इतने ला के बना रहे हैं, तो 12,80,000 रुपया बस अड्डे के पार्क के उत्ते ला रहे हैं, वह भी काम शुरू हो जा रहा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਆਦਮਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ MLA ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। 12,80,000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਡਲ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਦਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।